हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस कॉज कर सकते हैं गोल्डबर्ग को उनकी मैच एट रॉयल रंबल अगेंस्ट ड्रू मैकइंटायर। दोस्तों, रॉयल रंबल पेपर व्यू के लिए बाकी है बस कुछ हफ्ते और हमें इस पेपर व्यू में काफ़ी मजा आने वाला है। काफ़ी सारे ब्लॉकबस्टर मैचेस हमें देखने मिलने वाले हैं इस रॉयल रंबल पेपर व्यू में, और सबसे इंटरेस्टिंग जो मैच होगी वो होगी 30-मैन रॉयल रंबल मैच। उसी के साथ दोनों टॉप चैंपियनशिप मैच भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस आकर कॉस्ट करते हैं गोल्डबर्ग को अगेंस्ट ड्रू मैकइंटायर फॉर WWE चैंपियनशिप, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फर्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के न्यू ओपोनेंट के बारे में रॉयल रंबल। हमें ये पता था कि एडम पियर्स की मैच होने वाली है रोमन रेंस के साथ एट रॉयल रंबल फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। स्मैकडाउन में एक नया ट्विस्ट देखने मिला जहां पर एडम पियर्स को रिप्लेस करते हैं केविन ओवंस और केविन ओवंस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं, और अब केविन ओवंस ने रिप्लेस कर दिया है एडम पियर्स को और वो फेस करेंगे रोमन रेंस को फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रॉयल रंबल पेपर व्यू। तो दोस्तों, ये हमें एक्सपेक्टेड था कि ये मैच तो शायद नहीं होने वाली है, यहाँ पर एक रिप्लेसमेंट हमें देखने मिलेगा ही। ये जानने के लिए सभी एक्साइटेड थे कि आखिर कौन होता है रिप्लेसमेंट, और वो हमें पता चला कल के स्मैकडाउन में, क्योंकि रिप्लेसमेंट के नाम पे हमें देखने मिलते हैं केविन ओवंस। सो एट रॉयल रंबल वी वुड सी केविन ओवंस वर्सेस रोमन रेंस फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं केविन ओवंस के बारे में। अब हमने देखा कि कैसे केविन ओवंस बन चुके हैं नंबर वन कंटेंडर टू फेस रोमन रेंस। पर दोस्तों, टॉकिंग स्मैक में केविन ओवंस ने एक शॉकिंग बात रिवील की है। केविन ओवंस पॉल हेमन से ये कहते हैं कि मुझे लास्ट 4-5 साल से ब्रॉक लेसनर से फाइट करनी थी, और इसके बारे में मैंने तुमसे बात भी की थी, तो तुमने मुझे ये कहा था कि तुम ब्रॉक लेसनर से इस बारे में बात करोगे, पर तुमने नहीं की और वो मैच हमें मेन शो में देखने नहीं मिली। तुम इसकी केयर नहीं करते, जस्ट लाइक तुम ये केयर नहीं करते कि मेरा हाल क्या होगा रॉयल रंबल में। तो दोस्तों, ये शॉकिंग थिंग रिवील की है केविन ओवंस ने ऑन ब्रॉक लेसनर। लाइव इवेंट में हमें देखने मिला था केविन ओवंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच, पर वो काफ़ी छोटा मैच था और वहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने स्क्वॉश कर दिया था एक टाइप से केविन ओवंस को। और मेन शो की बात करें रॉ स्मैकडाउन या किसी पेपर व्यू की, यहाँ पर हमें ब्रॉक वर्सेस केविन ओवंस की मैच नहीं देखने मिली थी। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले टाइम में क्या हमें ये मैच देखने मिलती है ब्रॉक लेसनर वर्सेस केविन ओवंस या फिर नहीं। यहाँ पर हमने ये देख लिया कि केविन ओवंस लास्ट के 4-5 साल से ये आइडिया पिच कर रहे थे पॉल हेमन को कि उन्हें फाइट करना है ब्रॉक के साथ, पर वो नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मेगा अपडेट के बारे में जो जुड़ी है ड्रू मैकइंटायर एंड गोल्डबर्ग से। दोस्तों, रॉयल रंबल में ड्रू मैकइंटायर वर्सेस गोल्डबर्ग की मैच होने वाली है फॉर WWE चैंपियनशिप। हमने ये देखा कि कैसे ड्रू मैकइंटायर को COVID-19 हो गया है, बट ड्रू मैकइंटायर के सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं हैं और वो ठीक हो जाएंगे, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो आएंगे ज़रूर एट रॉयल रंबल टू फेस गोल्डबर्ग। और दोस्तों, यहाँ पर कौन विनर बनता है, ड्रू मैकइंटायर या फिर गोल्डबर्ग, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब दोस्तों, इस मैच में हमें एक बड़ा ट्विस्ट देखने ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कि कौन जीतेगा ये मैच। काफ़ी चांसेस है कि गोल्डबर्ग जीत सकते हैं, बट उतने ही चांस लग रहे हैं ड्रू मैकइंटायर के भी ये मैच जीतने के। पर दोस्तों, अगर ड्रू मैकइंटायर को स्ट्रांग रखना है और अगर गोल्डबर्ग को भी स्ट्रांग रखना है ड्रू मैकइंटायर के साथ, तो गोल्डबर्ग को हराना होगा किसी इंटरफेरेंस से, और वो इंटरफेरेंस हो सकते हैं रोमन रेंस। ड्रू मैकइंटायर के फ्यूड से पहले आपको पता ही था कि रोमन रेंस एंड गोल्डबर्ग के बीच में कितने शॉट्स एक्सचेंज हो रहे थे। सभी को ये लगा था कि गोल्डबर्ग एंड रोमन रेंस की मैच होने वाली है रॉयल रंबल या फिर रेसलमेनिया में, बट आउट ऑफ नोवेयर गोल्डबर्ग ने ड्रू को चैलेंज कर दिया रॉ में आकर। अब दोस्तों, ड्रू को अगर ओवर करना है इस मैच में और गोल्डबर्ग को भी स्ट्रांग दिखाना है, तो ये हो सकता है दोस्तों कि रोमन रेंस आकर स्पीयर दे सकते हैं गोल्डबर्ग को, और इसी का फायदा उठाकर ड्रू मैकइंटायर क्लेमोर दे के ये मैच जीत सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं अपना WWE चैंपियनशिप। और दोस्तों, ऐसे फिर गोल्डबर्ग स्ट्रांग दिखेंगे और ऐसे फिर रोमन रेंस एंड गोल्डबर्ग की जो फ्यूड है वो चालू हो जाएगी, और गोल्डबर्ग फिर जा सकते हैं स्मैकडाउन में टू फ्यूड विद रोमन रेंस, और फिर हमें इन दोनों की मैच रेसलमेनिया में या फिर रेसलमेनिया के बाद के पेपर व्यू में देखने मिलेगी। जो मैच लास्ट ईयर के रेसलमेनिया में होने वाली थी वो मैच हमें देखने मिल सकेगी इस साल के रेसलमेनिया में या फिर रेसलमेनिया के बाद के इवेंट्स में।
ये बस एक दोस्तों स्पेक्यूलेशन है, ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही होगा। अगर विंस ने ये गेम प्लान पुल किया ना तो काफ़ी मज़ा आएगा। अगर ड्रू मैकइंटायर को जिताना है ये मैच तो विंस मैकमैन ने अगर ये वाला प्लान पुल किया तो काफ़ी मज़ा आएगा। पर अगर गोल्डबर्ग ही जीते हैं तो ये प्लान एग्जीक्यूट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हमें देखना होगा कि क्या होता है इन द कमिंग टाइम, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली रॉयल रंबल में कौन जीतता है, ड्रू मैकइंटायर या फिर गोल्डबर्ग। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या रोमन रेंस आकर कॉज कर सकते हैं गोल्डबर्ग को उनका मैच, ये देखना होगा हमें एट रॉयल रंबल। तो रंबल काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है ओवरऑल, तो हमें देखना होगा कि कैसा होता है ये इवेंट एंड कौन बनते हैं इन सारे मैचेस के विनर। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आप कितने एक्साइटेड हैं रॉयल रंबल पेपर व्यू के लिए, सेकेंड आपको क्या लगता है कौन जीतेगा बिटवीन ड्रू मैकइंटायर एंड गोल्डबर्ग, एंड थर्ड क्या आपको लगता है कि रोमन रेंस कॉज कर सकते हैं गोल्डबर्ग को इस WWE चैंपियनशिप मैच, और हमें आने वाले टाइम में रोमन रेंस एंड गोल्डबर्ग की फ्यूड देखने मिलती है फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। सो गाइस प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।